नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मकदम है। हाजिर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राहे नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन और कुछ ही देर में इस प्रोग्राम की रौनक को दुबाला करेंगे वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक जनाब हकीम सलमान खान तूर साहब। तो उनसे रूबरू ज़रूर कराएंगे, लेकिन आगाज़ करते हैं अपने प्रोग्राम का एक छोटे से वाक़े से। खलीफा हारून रशीद, मशहूर अब्बासी खलीफा, गुजरा है, बगदाद में रहता था। बहुत वसी वरी सल्तनत थी उसकी, और उसकी बहुत ही चहेती मलका मलका ज़ुबैदा थी। मलका ज़ुबैदा में ख़ास ख़ूबी यह थी कि अल्लाह ताला ने उन्हें हुस्न सूरत के साथ हुस्न सीरत से भी नवाजा था। बहुत ही नेक दिल खुदा तरस खातून थीं। उनके महल में तकरीबन 1000 हाफिजात कुरान थीं। ये बच्चियाँ रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत किया करती थीं, और सुबह से लेकर शाम तक उनके महल में कुरान पाक की आवाज़ गूंजा करती थी तिलावत की। मलका ज़ुबैदा जो थी, वो एक दिन दरिया के किनारे टहल रही थी, सैर कर रही थी, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर बहलोल बैठे हुए मिट्टी से कुछ बना रहे हैं। करीब आई बहलोल की और पूछा कि बहलोल क्या बना रहे हो? तो बहलोल ने कहा कि मैं जन्नत के महल बना रहा हूँ, जो इन्हें ख़रीदेगा मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा, अल्लाह ताला उसे जन्नत में एक घर या एक महल देगा। तो मलका ज़ुबैदा ने कहा कि इसकी क्या कीमत है? बहलोल ने कहा 1 दिनार। मलका ज़ुबैदा ने 1 दिनार दिया और कहा मेरे लिए दुआ कीजिएगा। उसके बाद वो आगे बढ़ गई। कुछ ही देर में वहाँ से खलीफा हारून रशीद का भी गुजर हुआ। पूछा, बहलोल क्या बना रहे हो? बहलोल ने उसी तरह वो जवाब दिया। आपने देखा होगा बच्चे जिस तरह मिट्टी के घरूंदे बनाते हैं, इसी तरह बहलोल वो घर बना रहे थे। तो हारून रशीद ने पूछा कि बहलोल क्या बना रहे हो? तो बहलोल ने कहा कि मैं जन्नत के महल बना रहा हूँ, जो इन्हें ख़रीदेगा मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि वो उसे जन्नत में घर अता करे। तो हारून ने पूछा इनकी क्या कीमत है? कहा 1 दिनार। हारून ने सोचा कि ऐसे ही दिल लगी कर रहे हैं। हारून आगे बढ़ गए। रात को जब हारून रशीद सोए तो ख्वाब में देखा कि एक याकूत, सुर्ख याकूत से बना हुआ बहुत खूबसूरत महल है। अंदर जाना चाहा और उस पर मलका ज़ुबैदा का नाम लिखा हुआ है। तो दरबानों से पूछा कि ये मलका ज़ुबैदा का है? बोला हाँ। तो कहा मैं अंदर जाना चाहता हूँ। कहा कि नहीं, हमारा दस्तूर यह है कि जिसका महल होता है वही अंदर जा सकता है, आप अंदर नहीं जा सकते। तो सुबह जब हारून जागा तो उसे याद आया कि अच्छा, हो ना हो बहलोल की दुआ ली है मलका ज़ुबैदा ने। वो फिर चले दरिया के किनारे, देखा बहलोल वैसी मिट्टी के घर बना रहे हैं। पूछा, बहलोल घर मुझे भी बेचोगे? बोला हाँ, क्यों नहीं बेचूंगा। तो क्या कीमत है इनकी? कहा कि पूरी ज़मीन की, पूरी सरज़मीन की जो सल्तनत है ना, बादशाहत है, वो इसकी कीमत है। तो हारून रशीद ने कहा कि इतनी कीमत तो मैं नहीं दे सकता, कल तो तुम 1 दिनार में बेच रहे थे। तो बहलोल ने कहा कि कल बिन देखे का सौदा था और आज तुम सौदा देख कर आए हो। तो जो हमारा यकीन है ना नाज़रीन, वो कुछ ऐसे ही है। अल्लाह नज़र नहीं आता लेकिन हमें यकीन है कि अल्लाह है। फरिश्ते नज़र नहीं आते लेकिन हमारा यकीन है कि फरिश्ते हैं। इसी तरह यौम हश्र है, रोज़े जज़ा व सज़ा है, मरने के बाद दोबारा उठाया जाना है, ज़िंदगी है, ये तमाम चीज़ें हमारे यकीन से जुड़ी हैं। जितना जिसका यकीन पुख्ता है, कामिल है, उतना ही उसके लिए नजात भी जो है वो यकीनी बनती चली जाती है और अल्लाह के नज़दीक उसका क़ुर्ब भी बढ़ता चला जाता है। हकीम साहब हमारे रबते में आ गए हैं तमाम टीम की जानिब से, तमाम नाजरीन की तरफ से। हकीम साहब का पुरतपा खैर मकदम करते हुए उन्हें अपने प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं, बल्कि आपके प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। हकीम साहब, इस्तकबाल है आपका, खुश आमदीद। चलो नवाज़ जी, शुक्रिया। मेरी आवाज़ आ रही है क्या? बिल्कुल साफ पहुंच रही है हकीम साहब, बहुत बहुत साफ सुथरी आवाज़ आपकी हमारी समातों में उतर रही है। तो अब पता नहीं कि यह वाकया आपकी समातों तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, लेकिन बात हो रही थी यकीन की। कहते हैं कि हमारा यकीन जितना पुख्ता हो, हमारा ईमान उतना मुकम्मल होता है। हमारा यकीन अल्लाह पर हो, अल्लाह के फरिश्तों पर हो, आसमानी किताबों पर हो, रोज़े जज़ा व सज़ा पर हो, मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर हो, और अपनी तकदीर पर हो कि जो कुछ होता है अल्लाह की तरफ से होता है, और जो होता है इंसान की बेहतरी के लिए होता है। बंदा उसकी मसलहतों को नहीं जानता, शिकवा तो करता है लेकिन वो नहीं जानता कि अल्लाह ताला ने इस आजमाइश में, इस सख्त घड़ी में जो इंसान को कभी दरपेश होती है, उसके लिए क्या भलाई पोशीदा रखी है जो उसकी नज़रों से मख्फी है। मैंने अधूरा वाक्य सुनकर पूरा समझ लिया था माशाल्लाह। और एक गजल याद आ रही है मुझे अपनी कि ये गम में मुस्कुराना भी खुशी के साथ धोखा है।
वाह, ये गम में मुस्कुराना मुस्कुराना भी भी खुशी के खुशी के साथ दुख साथ है। होता है, पिए बिन लड़खड़ाना तिश्नगी के साथ धोखा है, क्या बात है, पिए सुना बिन दिया। लड़खड़ाना तिश्नगी के साथ धोखा है, और कजा आने से पहले मुत्तला करती तो अच्छा था, बिल्कुल, कजा आने से पहले मुतला मुत्तला करती तो करती अच्छा तो था। बेहतर था, अचानक मौत आना जिंदगी के साथ धोखा है। वाह, और एक और शेर, मक्ते का शेर, दूसरे शेर याद नहीं आ रहा, कि बदल कर बदल कर भैंस अब मैं तूर फिरता हूँ फकीरों का, बदल कर भैंस अब मैं तूर फिरता हूँ फकीरों का, बदल कर भैंस अब मैं तूर फिरता हूँ फकीरों का, कभी लगता है ये आसूदगी के साथ धोखा है, वाह वाह, कभी क्या लगता है ये आसूदगी के साथ धोखा है। बहुत शुक्रिया। क्या कहने हकीम साहब, क्या कहने। बर मौका बर महल आपके अशआर हमारे इस मौजू के साथ जुड़कर सोने पर सुहागे का काम करते हैं। आपको याद कैसे रह जाते हैं? मुझे तो बड़ी मुश्किल से अशआर याद होते हैं, बड़ी मेहनत लगती है। हमारे कहाँ अब याद होते, एक जमाना था कि मैंने कभी कुछ डायरी या पर्चा लेके नहीं पढ़ा, जब ये इनकी तादाद 100 सवा 100 थी तो हिफ्ज रहते थे। अब क्योंकि मैं रोज गजल कहता हूँ तो कितना याद रहेगा, इतनी बुढ़ा तो हो गया हूँ आपको पता है, तो मेमोरी जो है जवानी की बड़ी अच्छी होती है, और बुढ़ापे में पुरानी बातें याद रह जाती, नई नया स्टोरेज बहुत कम हो पाता है। शानू हमारे साथ हैं फोन लाइन पर, आइए जानते हैं कहाँ से बोल रही हैं। जी बताइए, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, सानू बोल रहा हूँ जिला हरदोई से। जी इस्तकबाल है आपका, फरमाइए भाई, क्या सवाल है? हकीम साहब को मेरा सलाम वालेकुम। शुक्रिया, जजाक अल्लाह, वालेकुम सलाम। हकीम साहब, मेरा एक सवाल ये है, अभी 2-3 रोज पहले जो है हमारे जैसे बच्चे थे हम थे सब लोगों के जो है बहुत तेज बुखार आया और जाड़ा लग के बुखार आया, तो उसमें दवा लाए, फायदा तो कर गई, मगर जैसे उसमें अगर मुंह का जायका बहुत बदल ऐसा गया है और बहुत कमजोरी सी आ गई, एक ही दिन का बुखार आने में बहुत सी कमजोरी, शरीर में बहुत कमजोरी आई और मुंह का यानी सारा जायका बदल गया, कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है। अगर नींबू वगैरह खाए तो नुकसान तो नहीं करेगा, जुकाम तो नहीं है खैर किसी के, मगर नींबू अगर ले तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी, जी। या घोल बना के पिए, जैसे थोड़ी नींबू और शक्कर और थोड़ा नमक मिला के घोल बना लें। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार शानू। कर्नल वर्मा जी, इस्तकबाल ही कर्नल साहब आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। कर्नल साहब, आपकी आवाज बहुत आहिस्ता आ रही है। आहिस्ता आ रही है, बुलंद आवाज में बात करें। जरा बुलंद आवाज में जी। हकीम साहब, आप तो समंदर है, मैं तो एक कतरा हूँ, ना तो आजानों में है ना तस्बीह के दानों में है, ना तो आजानों में है ना तस्बीह के दानों में है, फकीरी तो गरीब के घरानों में है। और कोई सवाल है कर्नल साहब का? मैं आपसे मालूम करना चाहता हूँ कि एक वो जो अच्छाई करे उसको भी इम्तिहान देना पड़ता है, एक गुनाह करे उसको भी ध्यान इम्तिहान देना पड़ता है, अपन को इस मालूम मार्ग अपने को नहीं होती है कि अपन किसका इम्तिहान दे रहे हैं, बहरहाल इनसे राह आसा हो, कोई ऐसा रास्ता आपसे जानना चाहते हैं। बेहतर कर्नल साहब जी। हकीम साहब, मैं पूरी बात तो समझ सका हूँ, ये लास्ट में कर्नल साहब ये जानना चाह रहे हैं, हकीम साहब उन्होंने कहा कि जो अच्छाई करता है उसे भी किसी न किसी आजमाइश से गुजरना पड़ता है, जो बुराई करता है उस पर भी खुदा की पकड़ आती है, उसे भी किसी इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। अब इम्तिहान से गुजरने वाला इंसान ये कैसे जाने कि वो अच्छाई करने वालों में से था या बुराई करने वालों में से है? बहुत गहरा सवाल, बहुत गहरा सवाल, बहुत गहरा सवाल, तकरीबन फंसा देते हैं। देखिए, इनमल आमाल बिन नियत,
और नियत आदमी खुद जानता है कि वो क्या करने जा रहा है, कभी अच्छाई करके भी फंस जाएगा और कभी बुराई करके भी आदमी मंजिल पा सकता है। तो उसकी नियत क्या थी ये देखना है, किसी को बचाने की नियत थी, किसी को इज्जत देने की नियत थी, जिल्लत मिल गई तो आप उसके गुनाहगार नहीं। किसी को बचाने की नियत थी और फिर भी वो फौत हो गया तो आप उसके गुनाहगार नहीं। नियत आप कुछ जानते हैं या अल्लाह जानता है? ये एक ऐसी चीज है जो सिर्फ अल्लाह को मालूम है और आपको मालूम है। और वो आप मुझे शेर सुनाए और मुझे दरिया कहते हैं, मुझे इतना चढ़ा देते हैं कि मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ। और मैं भी सोचता हूँ, हर आदमी जो मुझ जैसा होता है वो सोचता है कि मैं बहुत बुलंद हो गया, लेकिन हकीकत यह है कि वो शेर किसी का याद आ रहा है कि वैसे तो मैं दरिया हूँ, वैसे तो मैं दरिया हूँ, तेरे आगे कतरा हूँ। आप जिस औहदे और इल्म के मकाम पर फाइज रहे, मैं उसके सामने कुछ भी नहीं। आपकी मोहब्बत है और मेरे साथ जो नाज़रीन जुड़े हुए हैं वो सब दरिया हैं, और अगर मैं दरिया भी हूँ तो वो सब इतने क्रीम है, ये हिंदुस्तान और दुनिया की क्रीम है जो पढ़े लिखों की और समझदार लोगों की, आलिमों की एक क्रीम है जिसमें मैं एक कतरा का काम करता हूँ। जब मैं आपसे मिल जाता हूँ तो मैं दरिया हो जाता हूँ, वरना मैं कतरा ही रहता हूँ। तो आप जुड़े रहिए, मिलते रहिए, ताकि मैं ये कतरा दरिया बनता रहे। क्या बात कही यकीम साहब। दो कॉलर्स और हैं, शमीम साहब साहिबा पहले आपसे मुखातिब हैं और इसरार खान साहब इंदौर से हैं। थोड़ा सा इंतज़ार, इसरार भाई आपसे भी बात करेंगे। जी शमीम साहिबा फरमाइए, क्या सवाल है? वालेकुम अस्सलाम। बाजी मेरा सवाल ये है, मेरी कमर में छोटी सी गांठ हो गई। जी पहले तो वो इतनी बड़ी थी जैसा बताता हो छोटा वाला, अब मैंने जैसे दवाई खाई तो वो छोटी सी इतनी रह गई जैसा कटारे का बीज हो। अब उसके अंदर से ऐसे निकले जैसे कुंचों के अंदर से डील सी निकलती है। जी जी उसमें से कोई डॉक्टर को जैसा हमने दिखाया ना, तो वे कह रहे कि इसके अंदर कीड़ा आएगा। अच्छा, तो क्या उन्होंने ऑपरेट करने के लिए कहा है? उन्होंने ऑपरेशन के लिए कहा है? जी एक सवाल बाजी ये है मेरा, मेरी बेटी है तो उसकी शादी को 4 साल होने वाली है, उसके अभी तक कोई औलाद नहीं है, तो उसके पानी की गांठ बताई ना लोगों ने, डॉक्टर ने उसका इलाज चल रहा, आवाज ना तो क्लियर है ना ज्यादा, मतलब कम आ रही है आवाज मुझे। सवालात महफूज है हकीम साहब, इंशाल्लाह दोहराती जाऊंगी। इसरार खान साहब इंदौर से, जी इसरार भाई क्या सवाल है? वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे 3 सवाल है। जी पहला सवाल, एक को मेरे 2 नवासा नवासी है, एक की 3 साल उम्र, एक की 4 साल उम्र है, तो इनकी हाइट नहीं बढ़ रही है। जी ठीक है। और दूसरा हमारी एरिया की तरह है कि इनके पैरों में सूजन आ रही है। हाँ। तो उन्हें ना कोई थायराइड वगैरह है कि ब्लड प्रेशर रहता है वो है, और एक हमारा है कि उन्होंने क्या किया, मेरा मुंह छाले टाइप हो जाते हैं, कहते हैं ना वो एक बुखार मुंह जाता उस टाइप में, कभी होठ फट जाना, कभी मतलब अंदर से आ जाना, इस टाइप में होते रहता महीने 2 महीने 3 महीने में, ये दिक्कत है। आपकी अहलिया के पैरों में सूजन है, आपने KFT करवाया है उनका, किडनी फंक्शन टेस्ट करवाया है या यूरिक एसिड वगैरह चेक करवाया है? नहीं वो नहीं करवाया अभी। ठीक है जी हकीम साहब, हम शुरू करते हैं शानू साहब के सवाल से। उन्होंने बताया था कि पूरी फैमिली को बुखार आ गया, मसला यह है कि मुंह का जायका बहुत कड़वा महसूस होता है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि नींबू पानी पी सकते हैं या उसमें चीनी और नमक मिक्स करके उसका एक महलूल बना लें और वो इस्तेमाल करें, आपकी तजवीज़ क्या कहती है? देखिए बुखार से औराम हो जाते हैं, वरम हो जाते हैं कुछ जगहों पर, जब
हमें एंटीबायोटिक दवाएं, तेज दवाएं दी जाती हैं, तो अक्सर लीवर मुतवर्रिम हो जाता है, ये आंतों पे वर्म आ जाता है काफ़ी जगहों पे। तो वर्म दूर करने की दवाएं आप ले सकते हैं। एक आती है गिलोय, बूटी है, एक जड़ी बूटी, आपने देखा होगा लोग, गिलोय बहुत मशहूर है यूनानी आयुर्वेद की ये बूटी, जो लोग बोतल में लगा लेते हैं और खाली पानी में डाल के वो बढ़ती रहती है। जो हम अपने घरों में लगा लेते हैं वो एक बोतल में एक बेल चलने लगती है, उस जैसी होती है। बस गिलोय में फर्क ये है कि इसका पत्ता दुरंगा होता है, उसका पत्ता एक रंग का होता है यानी हरा होता है, और इसका पीला और हरा होता है। तो गिलोय की बूटी एक 2-3 इंच की रोजाना 1.5 गिलास पानी में उबालें, और उसमें एक चुटकी नमक या खाने का सोडा मिला दें, और 2 चुटकी ये मेथी का पाउडर मिला दें। इसको आप चुस्कियां लेकर पी लिया करिए रोजाना एक बार, इंशाल्लाह सबको शिफा मुमकिन है। इंशाल्लाह। शमीम साहबा का सवाल, एक तो उनका पर्सनल मसला जो है वो कमर में गांठ है, जिसके बारे में डॉक्टर का ये कहना है कि इसमें कीड़े हैं। अब आपकी तजवीज़ क्या है वो ज़रूर बताइएगा उन्हें। दूसरा मसला बेटी का है, 4 साल हो गए हैं शादी को, औलाद नहीं है अभी तक। वहाँ मसला ये है कि पानी की गांठें बताई हैं। अच्छा देखिए, जो पानी की गांठें हैं उनके लिए और जो कमर में गांठें हैं उन दोनों के लिए एक आसान नुस्खा है। एक चुटकी नमक जैतून, याद रखें नमक जैतून असली वाला, और एक चुटकी खाने का सोडा 1 गिलास पानी में मिलाकर आप दिन में बस एक बार पी लिया करें, इंशाल्लाह दोनों को शिफा मुमकिन है। जी, 2 कॉलर्स और हैं। हकीम साहब, उनका जवाब मुकम्मल हो गया? दोनों का जवाब एक ही नुस्खे में दिया मैंने। जी बेहतर, 2 कॉलर्स और हैं। खैरुन्निसा साहब, आपसे जरूर बात करेंगे। आपसे पहले सानिया है फोन लाइन पर। जी सानिया, सवाल बताइए। सानिया हमें सुन पा रही हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, हमने पहले भी आपको कॉल किया था मगर किसी वजह से सवाल आप तक नहीं पहुंचा था, बट आज अल्लाह के हुक्म से सवाल पहुंच रहा है। हकीम साहब से मैं कहना चाहती हूँ कि जो उन्होंने नाना के लिए बताया था उनके हार्ट ब्लॉकेज के लिए अदरक लहसुन का वो रस, तो उनसे उनको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, तो उसके लिए मैं उन्हें शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मेरे 2 सवाल है मेरे अम्मी के ताल्लुक से, तो उनको जो है ना, तो उनके होठ पर जो है तो खुंसी हो गई है, वो 5-6 साल से है लेकिन वो जा ही नहीं रही है, और अगर उसको फोड़ने की कोशिश करे तो उसमें खून सिर्फ निकलता है लेकिन वो फिर जैसी की वैसी हो जाती है। दूसरा सवाल सानिया, तो मेरे और जो है ना, तो दूसरा सवाल हमारे अब्बू के ताल्लुक से है, वो जो है ना तो बहुत ज्यादा दुबले पतले, तो कुछ हालत बनने के लिए कुछ बता दे। सलामत रहिए, खुश रहिए, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। बेटियां बड़ी प्यारी चीज़ होती हैं, बड़ी प्यारी हस्ती होती हैं हकीम साहब, बहुत बहुत अल्लाह ताला की रहमत है। अब ये देखिए, ये नन्ही सी बच्ची सबके लिए कितने फिक्रमंद है, कभी नाना के लिए सवाल, कभी वालदा के लिए, कभी वालिद के लिए। खुश रहिए बेटा। खैरुन्निसा साहिबा से बात करते हैं, फिर आपके सवालों की तरफ भी आएंगे। जी खैरुन्निसा साहिबा फरमाइए। आपके जो नुस्खे जो रहे, आपकी जो बातचीत रही थी, जो सुबह जो आप एक एक तो हदीस से या कुरान की आयतों में से कुछ बताते हैं, मैं सब रिकॉर्ड करती हूँ, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। एक मेरे को सीख मिल गई है आप जो बोलती है, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और मैं हकीम साहब से बोलना चाहती हूँ कि मैं तो सियागोन 3 जड़ी बूटी खाती हूँ, मेरे लिए बहुत तकलीफ बढ़ गई सियागोन भी। अपना ये जैतून का सिरका जो मंगा रही थी मैं, तो वो भी पीऊ 5 दिन पित्त की कंकर के लिए,
अब वो मालूम नहीं कि कितना है क्या है, पिघल गया। पहले 12 mm का था, फिर बाद में 4 का हुआ। अब इनके 5 दिन दवा पीने से क्या हुआ फायदा नहीं मालूम, मगर मेरे बहुत तकलीफ बढ़ गई और बहुत मैं डिप्रेशन की भी शिकार हूँ। ऐसा लगता मेरे को 3-2 बच्चे मेरे मर गए, इंतकाल होगा 25 साल में आके। इनकी शादी है मैंने कुछ दिन हुई थी और रिश्तेदार मेरे को बहुत सताते हैं, मेरे को बहुत है। मेरी नीचे ऊपर बिल्डिंग बनी हुई है, मैं किराए पे गुजर बसर है मेरी। और वो हकीम साहब ने जो बोले थे कि उनके तो दिल्ली में जो उनका वो है एक जो रिटायर होने बाद होए बाद उन्होंने वहां जाने वाले है हम जैसे लोगों के लिए बनाने वाले, तो मैं सोचूंगी वहां आने के लिए। मेरे रिश्तेदार अच्छे नहीं है, मेरे 27 साल उन्होंने मेरे साथ में बहुत जुल्म किए हैं, मेरे को सास ससुरों की खिदमत कराए और मेरे को बहुत तकलीफ दी है। आज मेरे अभी को भी खींच ले रहे थे उनकी तरफ मैंने, मगर बहुत अपनी तकलीफ अपनी हिम्मत से मेरे अभी मेरे तरफ खींची है। आज मेरा अभी मेरे साथ में अच्छा है, मगर उसको उनको बहुत उनको भी सताते, उन्होंने भी हार्ट के मरीज है और मैं बहुत तकलीफ में हूँ। और मैं क्या करना ये तकलीफ के लिए बोलो, मेरा पूरा जिस्म पूरा दिमाग तक हलता। अब तो घबराहट भी हुई थी रात को, बेचैनी घबराहट और पेट में भी दर्द हो रहा था। और इनकी है जो मैंने वो मंगा के पी हूँ, मैंने ये जैतून का सिरका 5 दिन पी हूँ मैं, जैतून के सिरके में जैतून का तेल और शहद मिला के पी हूँ। तो मैंने क्या MRI करना क्या नहीं करना ये जरा हकीम साहब से बोलिए, ज़रूर बताएंगे, तफसील से बताएंगे। सवालात हमारे पास कई हैं। खैरुन्निसा साहिबा ने अभी अपना दर्द भी बयां किया और उसके अलावा उन्होंने ये बताया कि गूंद सिया और जैतून का सिरका वगैरह वो इस्तेमाल कर रही हैं। डिप्रेशन की भी शिकार हैं, क्या करें? देखिए गूंद सिया किसी किसी का दर्द बढ़ा देता और जिसका दर्द बढ़ जाए, तो मेरी आवाज मुझे वापस आ रही है, तो उसको चाहिए कि 4-5 दिन दर्द की दवा साथ में, 4-5 दिन दर्द की दवा साथ में ले, तो इंशाल्लाह होना। और दर्द आपने बयान किया ये बहुत ही ज्यादा, क्या कहना चाहिए, अल्फाज भी नहीं है मेरे पास, बदनसीबी है अजीजों की औलादों की, और आपका ख्याल नहीं रखते और कोई इंतजाम इंशाल्लाह हो रहा है और होने के बाद मुतला किया जाए। मेरी आवाज मुझ तक वापस आ रही जी हकीम साहब, ऐसा लगता है कि आज रابطे में कुछ खलल है, आपकी आवाज़ पूरी तरह जो है वो नहीं पहुंच रही है, ना मेरा ख्याल में नाजरीन तक पहुंच रही है ना मुझ तक आ रही है। गूंद सियाह के बारे में खैरुन्निसा साहब, जैसा कि डॉक्टर हकीम साहब ने भी बताया कि कुछ लोगों को इससे वक्ती तौर पर तकलीफ बढ़ जाती है, लेकिन आप अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखिए, इस्तेमाल जब तक हकीम साहब ने कहा है जारी रखिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से खैर की भी उम्मीद है और पूरी तरह शिफा मिलना भी मुमकिन है। इसके अलावा जैसा उन्होंने ये भी कहा कि दुख सुख जिंदगी में चलते रहते हैं, दुनिया में इतना गम है मेरा गम कितना कम है, औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। हर इंसान अपने गम को समझता है कि बहुत ज़्यादा दुख दर्द का टोकरा उसने उठा रखा है, एक दुखों की सलेब है जो उसने अपने कंधों पर लाद रखी है, उठा रखी है, लेकिन जब दुनिया में लोगों के दुख दर्द हमारी समातों में उतरते हैं हकीम साहब, जब उनके दर्द से आशनाई होती है, तो फिर अपने दर्द का या तो एहसास कम हो जाता है या अपना गम छोटा लगने लगता है। आपको जोहरा साहिबा भी याद होंगी जिन्होंने कहा था कि मैं आपके उस ओल्ड एज होम में आने को तैयार हूँ, खैरुन्निसा साहिबा ने भी कुछ ऐसे ही कहा है। जी जी अच्छा देखिए, एक तो ये डिप्रेशन की मरीजा हैं तो एक चम्मच धनिया जरूर खा लिया करें दिन में एक बार या दो बार, धनिया का पाउडर। और ये कर्नल वर्मा का सवाल का जवाब शायद अधूरा सा रह गया, जब टाइम की और वक्त की किल्लत होने की वजह से हम पूरी बात भी नहीं कर पाते, और कर्नल वर्मा का सवाल बहुत डीप होता है। जैसे उन्होंने कहा था कि इम्तिहान में है आदमी, इम्तिहान होता है अच्छी अच्छाई के लिए भी और बुराई के लिए भी। देखिए कर्नल वर्मा या तमाम
नाजरीन कि हम जब फौज में जाते हैं तो फौज में हमारा हमारी तालीम का सर्टिफिकेट, हमारा करेक्टर सर्टिफिकेट, हमारी पैमाइश, हमारा चेस्ट, हमारी ताकत हमें दौड़ा के देखते हैं, तब कहीं जाकर फौज में लेते हैं। आप और हम भी कोई मुलाजिम रखते हैं तो आजकल तो हम भी रखते हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन, करेक्टर सर्टिफिकेट और ये सब मांगते हैं, और हम कितने मामूली हैं, और रब्बुल आलमीन तो सबसे बड़ा है, तो क्या हम ये चाहेंगे कि वो हमें ऐसे ही ले लेगा जन्नत में, हमारे हमें सबको ऐसे ही दाखिल कर ले बगैर इम्तहान लिए? इम्तहान देना होगा, हर शख्स को देना होगा। किसी को दौलत दे के इम्तहान लेगा, किसी से दौलत ले के इम्तहान लेगा, किसी को जिस्मानी इम्तहान लेगा, किसी से दिमाग का इम्तहान लेगा, लेकिन इम्तहान देना पड़ेगा। और इस इम्तहान में, लेकिन वो इस बात की गारंटी है कि अल्लाह ताला किसी का भी इम्तहान, किसी का भी इम्तहान उसकी कुव्वत से ज़्यादा नहीं लेता, तो इस बात की गारंटी है। इम्तहान आए तो खन्ना पेशानी से गुजर जाए, और मैं तो बहुत खुश होता हूँ जब कोई इम्तहान का वक्त आता है, जहाँ पर एक तरफ अल्लाह का हुक्म हो और दूसरी तरफ दुनिया भर का लालच, और मैं अगर उससे निकल कर अल्लाह के इम्तहान में पासिंग मार्क्स भी हासिल कर लूँ तो मेरे लिए बड़ी खुश नसीबी होती है। बिल्कुल नकीम साहब, दो कॉलर्स और हैं और सवालात भी हमारे पास कई हैं। रोशन है कर्नाटक से, दूसरी कॉलर भी जो हमारी है रेहाना साहब वो कर्नाटक से हैं। रोशन पहले आप बताइए आपका सवाल क्या है। रोशन साहब हमें सुन पा रही हैं? ऐसा लगता है इनसे रब्ता नहीं रहा। रेहाना साहब फोन लाइन पर मौजूद है? वालेकुम अस्सलाम बाजी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हकीम साहब जैसे फरिश्ते मुझे आज बात करने का मौका मिल गया, वाकई आप हकीम साहब फरिश्ते के जैसा है माशाल्लाह। इतनी सारी दुनिया के लोगों की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह उम्र दराज करे, सेहत आप तंदुरुस्त रखे। बाजी मेरी तो यही दुआ है, आपका भी कुछ कहना, इतना अच्छा बात करते हैं आप, दिल छू जाता है आपसे बात करने के लिए, इतना अच्छा बात करते हैं आप बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह बहन, बात करने के लिए इतना मन करता है, मगर वक्त का तगादा रखते हुए मैं भी आप हकीम साहब से बात करती हूँ। माशाल्लाह मेरी बच्ची को अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा आराम है हकीम साहब, और मेरी बच्ची टी केयर और नमक जैतून ले रहे हैं, अब वो खत्म हो गया है डॉक्टर हकीम साहब, अब फिर कंटिन्यू करना है कि इतना खत्म करना है मुझे वो पूछना है, और मेरे बच्ची के खाने में क्या परहेज करना है, बच्ची को मसला हकीम साहब हाँ है थोड़ा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आराम है, थोड़ा बहुत आराम है, मगर उसे जरा मोशन की जगह जल रहा है, दर्द हो रहा है, बोलो ऐसा खींच रहा है, ऐसा बोलती है डॉक्टर। मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बात करने के लिए, मेरे सवाल ही मैं भूल गई हूँ, मुझे खुशी हो रही है। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे। जी हकीम साहब क्या मशवरा है आपका? देखिए इतनी बातें कह देते हैं हमारे एजाज में कि शर्मिंदा सा हो जाता हूँ, और क्योंकि मैं अपने आप को जानता हूँ, और कोई मेरी बीवी से पूछे कि मैं कितना अच्छा आदमी हूँ, आदमी ऐसे खाना से पता चलता है कि वो कितना अच्छा आदमी है। बहरहाल अल्लाह ताला ये भरम बनाए रखे कि मैं भी अच्छा इंसान हूँ, अल्लाह आपको खूब इसका अजर दे, और अच्छाई तो करने से होती है। इंसान का रिश्ता बहुत अजीम है जो इंसान से हो जाए, और फरिश्तों से भी बढ़कर, क्योंकि फरिश्तों को ये दर्द ही नहीं है, ये दर्द इंसान को देकर भेजा है अल्लाह ने कि वो एक दूसरे का दर्द महसूस करे, उसके काम आए। और बच्ची को रोजाना एक चम्मच
अरंडी का तेल कहते हैं आसान जबान में, कैस्टोर ऑयल मेडिकल स्टोर पे मिलता है तमाम, बहुत भारी सा गाढ़ा सा होता है, एक चम्मच उसे पिला दिया करें रोजाना एक बार, लेकिन जब ये पिलाएं तो गरम गरम चाय या पानी पिलाएं और पूरा फायदा होने तक दवा दें। बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे मशवरे से अल्लाह ने आपको फायदा दे दिया, मेरी भी इज्जत बढ़ गई और बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, सलामत रहे। नईम भाई दिल्ली से जी। नईम साहब सवाल बताइए। मेरा नाम मोहम्मद मोइनुद्दीन है, मैं पहले भी आपको फोन किया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मोइन भाई। मैं बोला काम कर रहा था, एलर्जी है, लेकिन मैं अपनी पूरी बात नहीं बता सका था, काबू इतना हो गया था। दरअसल हमें किसी भी तरह की खुशबू या बदबू से एलर्जी, किसी भी तरह का, चाहे अगरबत्ती का भी खुशबू हमें बर्दाश्त नहीं है, आप बगल से कूड़ा का गाड़ी भी गुजर जाए या पेट्रोल डीजल का, इस तरह की है। तो वसीम साहब के यहाँ से हमने 3 साल पहले दवा मंगवाई थी, तो कोई माजून हमें मिला था, तो पहला डब्बा तो सही मिला था, दूसरा में खाली उसमें चूरा था उसका, मिश्री का। तो मैंने कंप्लेन किया था, दोबारा बदल के ले गया, फिर मेरा दिल टूट गया, दोबारा मंगाए नहीं तो शायद। तो अब जो है हालात उतना तो है नहीं, तो घरेलू नुस्खा हमें कुछ बता दीजिए कि जो मैं उस लायक हो सकूं, क्योंकि हम हालत हमारे पहले ही बताया बद से बदतर हो चुकी है। तो हमें किसी भी तरह खुशबू या बदबू से, होता क्या है गले में लगता कुछ अटक गया, बीपी हाई हो गया तो गले में, कोई आम खा लिया, केले वगैरह जो केमिकल द्वारा पका होता तो गले में, बीपी लो हो गया तो गले में, खुशबू बदबू हुआ तो गले में, मतलब सारा निचोड़ जो है वो मेरा गले में सूजन से है। मेरा समझ गया जी। ठीक है मोइन साहब, अब आप सुनिए हकीम साहब क्या फरमा रहे हैं। अच्छा देखिए, इसी को एलर्जी कहते हैं, वो किसी से भी हो सकती है, खुशबू से भी बदबू से भी, छौंका लगेगा किचन में तो भी हो सकता है, धुआं बढ़ेगा, डस्ट बढ़ेगी, हर चीज से, किसी से भी एलर्जी, मतलब किसी भी चीज से हो सकती है, हवा से भी हो सकती है। और पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, बहरहाल बहुत अच्छा हुआ कि वापस करके आपको बदल दिया दवा। और घरेलू नुस्खा ही बताने की कोशिश करता हूँ मैं, बहुत मजबूरन कभी कोई दवा बताता हूँ, हालांकि हम भी दवाओं का ही काम करते हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह खूब बिकती है अल्लाह के हुक्म से, हमें उन्हें बेचने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास किल्लत रहती है उन अद्वियात की जो हम बनाते हैं प्रोडक्ट। तो आपने देखा होगा सिर्फ मैं हूँ जो घरेलू नुस्खे जात बताता हूँ, और कोई नहीं बताता। तो घरेलू नुस्खा जात में एक अच्छा नुस्खा है, लेकिन सब्र से 6-7 महीना खाएं, और वो नुस्खा वही है, नुस्खा लिखिए, सपिस्तान उन्नाब अलसी, ये 3 चीज़ें हैं, सपिस्तान उन्नाब अलसी, और इनको 100-100 ग्राम खरीदें और उन्नाब के गुठलियाँ निकाल दें उन, और बाकी सबको पीस लें, और इसमें 30 ग्राम आपको लेना है पीपलें, ये पीपले जिनको हिंदी में पीपला मूल भी कहते हैं, हमारे बावर्चे खाने के गरम मसालों में पाई जाती है, ये 30 ग्राम, बाकी चीज़ें 100-100 ग्राम, इनको पाउडर बना लें, सफूक बना लें, और एक चम्मच सुबह निहार पेट खा लें गरम पानी के हमरा, खट्टी चीज़ें बिल्कुल छोड़ दें, कोई भी खट्टी चीज़ आप नहीं खाएंगे दौरान इलाज, 6-7 महीने इलाज करें, अल्लाह से मदद मांगें तो फ़ायदा मुमकिन है। सिराज भाई से हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास सवालात कई हैं, तकरीबन 5-6 सवालात महफूज हैं, तो सिराज भाई के कॉल के बाद थोड़ी देर के लिए हम जो सवालात महफूज हैं उनकी तरफ जाएंगे। सिराज भाई सवाल बताइए। सुगता बहन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आज बहुत दिन बाद मिला आपसे, आपसे बात हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपकी बात सुन के। हाकिम साहब से बात पूछना चाहूँ, हाकिम साहब को दीजिए सलाम। एक हम ले रहे हैं जैतून का सिरका आपके के यहाँ के ले रहे हैं, मैंने डायबिटीज है, हमारा डायबिटीज कमता नहीं है अभी तक। हाँ जी, तो जैतून का सिरका लिया हम,
और कैसा लेना है उसको अच्छा से बताइए। और अभी लिया है जामुन का बोन जी। हाकिम साहब जी जी सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, बात जारी रखिए। दोनों चीज हम हाकिम साहब के यहाँ से लिए हैं। तो कैसे लेना है ये जानना चाह रहे हैं सिराज भाई, जानना चाहते हैं। और कैसे कम होगा, बहुत ज्यादा मैंने आपको ज्यादा ये रहता है, बढ़ाए रहता है जी। ठीक है, अब गौर से सुनिए हकीम साहब क्या फरमा रहे हैं जी। हकीम साहब माफ कीजिएगा, जज़ाकअल्लाह, आपसे बात हुई लेकिन माफी के साथ कहना चाहूंगा, डायबिटिक आदमी जो है वो नदीदा सा भी हो जाता है। मैं आपको नहीं कह रहा लेकिन बेशतर लोग होते हैं, यानी वो छुप के या किसी भी तरकीब से मीठा खाने की कोशिश करता है। तो ये सब मीठे पर डिपेंड है कि आपकी डायबिटीज कम क्यों नहीं होती। डायबिटिक आदमी को चाहिए कि 1 घंटा पैदल चले और 5 बार कम से कम गर्म पानी पिए, इससे बहुत आसानी रहती है। और डायबिटिक आदमी का चलना बहुत ज़रूरी है अगर चलने लायक है तो। और खाना जितना भी आप खाते हैं उससे आधा खाया करिए, यानी अगर 4 रोटी खाते हैं तो 2 कर दीजिए, और 2 रोटी चाहे आप फिर 3 घंटे बाद 4 घंटे बाद खा लेना, और फिर 3-4 घंटे बाद खा लेना, ऐसे आप चार बार खा लें चाहे खाना, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके खाएं। एक तो ये, इससे बहुत राहत रहती है। और ये जैतून का सिरका 2-2 चम्मच सुबह शाम खाने से के बाद, जैतून का सिरका पानी में सालन में मिला लिया करिए 1-2 चम्मच, और वो सालन खा लिया करें। और ये जो जामुन का गौंद है ये बहुत तेज होता है, दुनिया का सबसे तेज, एक चुटकी दिन में 1 बार या ज्यादा ज्यादा 2 बार, इससे ज्यादा नहीं खा सकते, ये काफी तेज होता है और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। आप इसे खाना शुरू करें, और अगर आप अपनी तबीयत और कैफियत भी बताते हैं तो बहुत बेहतर था। यूसुफ भाई की कॉल चुके हम ले चुके हैं इसलिए शामिल कर रहे हैं। यूसुफ भाई के सवाल के बाद फौरी तौर पर इंशाल्लाह बकिया सवालों की तरफ जाएंगे। यूसुफ भाई क्या कहना चाह रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाकिम साहब, मैंने आपके टीवी की आवाज म्यूट कर दीजिए यूसुफ भाई। डॉक्टर से दवा मंगाया था बच्चे के लिए, बच्चे को फीट आके 2 साल का है जब से। बोलते रहिए पूरी बात कर, बात जारी रखिए यूसुफ भाई। 3 महीने की दवा भेजी उन्होंने हमको, 3 महीने की दवा भेजी उन्होंने, बच्चे को फीट आते और मतलब वो बोलता नहीं, हाथ से खाना नहीं खाता, ठंडा पिछाता नहीं बोलता, उसको हमको कम्बल धुलाना पड़ती, उसको हाथ से खाना खिलाना पड़ता। ठीक जी जी, हकीम साहब क्या मशवरा इनके लिए? देखिए, फीट का वैसे इलाज सबसे अच्छा एलोपैथी में है, अगर आपने छोड़ दिया है तो वही करें। यूनानी दवा तो उसकी माविन दवा के तौर पर आप ले सकते हैं, और ये आप इलाज उसकी मददगार दवा के तौर पर लें और एलोपैथ में इलाज करें, और दुआ करें आप भी और मैं भी करता हूँ। इसमें इलाज आसान नहीं, काफ़ी मुश्किल है, हो सकता है पूरी ज़िंदगी आपको दवा लेनी पड़े। अल्लाह इस बच्चे को लिए आसानी कर दे, मेरी ये दुआ है। हकीम साहब, सरार भाई ने जो सवाल किए थे उसमें उन्होंने नवासा और नवासी जिसकी उम्र 3 और 4 साल है, उन दोनों की हाइट नहीं बढ़ रही, अहलिया का मसला ये है कि उनके पैरों में सूजन है, बीपी का मसला भी है, तीसरा मसला उनका जाती उनसे मुतालिक है, मुंह में छाले हो गए हैं, होंठ फट से जाते हैं। ठीक है, उनसे आपने तो वैसे कह दिया कैफ्टी वगैरह टेस्ट कराने को किडनी फंक्शन के लिए, बहुत अच्छा। और ये कोई भी टेस्ट कराना अच्छा है, साल 6 महीने में 1 बार पूरी बॉडी का
सारा टेस्ट कराने चाहिए ताकि अपने जिस्म के बारे में मालूमात रहे क्या कमी बेशी हो रही है। इससे एक फायदा ये होता है कि हमें ये भी पता चल जाता है कि हमें गुज़िश्ता महीनों में डायबिटीज़ तो नहीं होके छूके गई हमें। अगर पता चल जाए कि छूके गई है तो फिर हम उससे बच सकते हैं। और दूसरा ये इन तमाम इमराज के लिए एक नुस्खा बता रहा हूँ, वो सूजन के लिए भी है और किडनी फंक्शन के लिए भी है और पैरों में सूजन के लिए भी है और दूसरे इमराज जो इन्होंने बताए थे मुंह में छालों के, तो नमक जैतून एक चुटकी लें, एक चुटकी बस पानी में मिला दें और अलसी को हल्का सा भूनकर एक चम्मच अलसी खाएं या आधा चम्मच खा लें, आधा चम्मच या एक चम्मच अलसी खाएं और एक चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाकर ये पानी पी लिया करें दिन में एक बार या ज़्यादा ज़्यादा दो बार, इंशाल्लाह इनके ये सब इमराज अच्छे होना मुमकिन है। जी, तीन मिनट बचे हैं हकीम साहब, तीन चार सवाल आते हैं मेरे पास। वो छोटे छोटे बच्चे जिनकी हाइट नहीं बढ़ी, 3 और 4 साल के, उनके लिए क्या किया जाए? अभी उनको मुकव्वी गिज़ा के अलावा कुछ ना दें। और अच्छा, मुकव्वी गिज़ा क्या होती है, एक तो माँ बाप समझते ही हैं, अभी उनको कुछ ना दें और उनको खजूर खाने की आदत डालें और ये अंजीर खाने की आदत डालें या इनका शेक बना दें, जैसे एक खजूर या दो खजूर एक ये अंजीर, इसका आप शेक बना दें, दूध में इसको खूब अच्छा से मिलाकर उन बच्चों को पिलाया करें, इनके पसंद का फ्लेवर भी मिला दें जो बच्चे पसंद करते हो, बस एक बार दिया करें और रोज दिया करें, इंशाल्लाह इनको दवा की जरूरत अभी दरकार नहीं है। सानिया का जो सवाल है, वो तकरीबन तीन सवाल आते हैं। एक तो अव्वल, उनके नाना को फ़ायदा हुआ है हार्ट ब्लॉकेज में, आपने जो चीज़ें बताई थी वो महलूल बनाकर पिलाया है। वालदा का मसला है कि होंठ पर फुंसी हो गई है 5-6 साल से, वो जा नहीं रही है और वालिद बेइंतहा दुबले पतले हैं। देखिए, जो फुंसी हो गई है होंठ पर उसके लिए ये चिलगोजे का गौन एक चने की दाल के बराबर रोजाना एक मरतबा पानी से दूध से जैसे चाहे दे दें खाने के बाद, इंशाल्लाह ये इसका अच्छा होना मुमकिन है। बहुत मुबारक आपके अजीज को वो महलूल से फ़ायदा हुआ। देखिए, वो महलूल जो मैं बताता हूँ वो एक गैर मामूली है, दुनिया की बेहतरीन दवा मानता हूँ मैं अपने तजर्बे में। और वो जो भी दिल के अमराज हों जिनको और बहुत सारे वो कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर डायबिटीज इन सब में इस्तेमाल करना चाहिए। जी, वालिद का मसला ये है कि वालिद बहुत दुबले पतले हैं। अच्छा, उनको दवा के तौर पर अगर दे तो माजून आर केयर दे और वरना मुकव्वी चीजें जैसे दो अंजीर, 4 खजूर, 10 किशमिश का शेक बना के रोजाना एक बार या दो बार पिलाया करें, इंशाल्लाह शिफा मुमकिन है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, तकरीबन तमाम सवालात हमने शामिल कर लिए हैं, तो आज का जो हमारा प्रोग्राम का सफ़र है वो यहीं तक। शुक्रिया के साथ आपसे भी इजाज़त लेते हैं और नाज़रीन से भी, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।